हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल? आप देख रहे हैं ऑनलाइन क्वेश्चन हब, माय सेल्फ अभिनय चौधरी। तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, चलिए मैं आपको आज के देने जा रहा हूं आपके बिहार के सभी यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस की तरफ से क्या भी अपडेट आई है। चलिए अभी टॉपिक को मैं देता हूं। अगर आपको भी गवर्नमेंट जॉब्स और प्राइवेट जॉब्स का अपडेट चाहिए तो गाइस, उसके लिए आप हमारे इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एजुकेशन हब को सब्सक्राइब करें और बगल में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करें। प्रेस करने के बाद आपको ऑल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है ताकि हमारे चैनल पे जो भी गवर्नमेंट जॉब्स और प्राइवेट जॉब्स और आईटीआई और अप्रेंटिस से रिलेटेड जो भी नई अपडेट्स आए वो सबसे पहले आपको मिले। हमारे चैनल पे गाइस आपको आईटीआई, गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, एग्ज़ाम रिजल्ट सारे अपडेट्स आपको देखने को मिलेंगे हमारे इस चैनल पर। तो गाइस हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। माय डियर फ्रेंड्स, जैसे कि बता दूं, राज्य सरकार के आदेश के बाद अनलॉक 4 के बाद आप सभी के सारे जो भी यूनिवर्सिटीज़ के कॉलेजेस, विशेषतर आपके पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी की तरफ से आपके जितने कॉलेजेस हो गए, इन कॉलेज, कॉलेज ऑफ कॉमर्स, डीपीएस कॉलेज, सभी कॉलेजेस ने अपनी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दी। जो नोटिफिकेशन मैंने पहले ही अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दी, अगर आपने देखा नहीं तो उसके लिए आप हमारे चैनल के अपर सेक्शन जाइए, वहाँ पर आपको टेलीग्राम चैनल देखने को मिल जाएगी और भी आज के अपडेट भी आपको वहाँ पर मिलेंगे। तो देख पा रहे हो इन कॉलेज की तरफ से नोटिस सूचना के पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी द्वारा, देख पा रहे हो 6 जुलाई को जो अपडेट आया था उसके 12 जुलाई से सभी यूजी और पीजी वोकेशनल कोर्सेज के साथ 50% उपस्थिति के साथ खुलने का निर्णय लिया गया है, जिसे 50% छात्रों की उपस्थिति कर्मावर्तन के आधार पर होगी। और देख पा रहे हो तो ये कुछ नोटिफिकेशन आई थी, केवल कोविड टीका प्राप्त आगंतुकों का प्रवेश अनुमानी होगा। तो इसके लिए आपको वैक्सीनेशन लेना बहुत ही जरूरी है। अगर आपने भी अगर अभी तक वैक्सीनेशन नहीं ली है तो कमॉन गाइस, वैक्सीनेशन ले लीजिए। आपको ये बारगढ़ पटना से बिलोंग करते हैं तो बहुत सारे ऐसे भी जगह है जहाँ पर आपको वैक्सीनेशन के रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। बहुत पहला अपडेट आपको अपने जा रही है कि वीकेएस यूनिवर्सिटी की तरफ से पीजी का हाल, नए सत्र में निर्धारित सीट से 3 गुने अधिक आ चुके हैं नामांकन आवेदन। सीट वृद्धि नहीं होने से हर वर्ष 10,000 से ज़्यादा छात्र उच्च शिक्षा से हो जाते हैं वंचित। इन कॉलेजों में होती है पीजी की पढ़ाई, गणित विषय में सबसे ज़्यादा अभ्यर्थियों ने किया है आवेदन, दूसरे स्थान पर है भौतिकी। तो ये पढ़ने को मिला आपको वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी से आई अपडेट कि बहुत सारे लोग ने आवेदन किया पीजी में, पीजी के लिए 5200 सीटों पर पीजी के लिए नामांकन लेने के लिए 15,000 से अधिक आवेदन आ चुके हैं। अगली अपडेट आपके इस पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी की तरफ से कि आप सभी के पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में यूजी एडमिशन यानी बीए, बीएससी, बीकॉम में एडमिशन ले सकते हो, जिसके लिए पोर्टल खोल दिया गया है। तो एडमिशन प्रक्रिया शुरू हो गई है, इसकी पूरी वीडियो आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलेगी। अगली अपडेट, सीबीएसई की तरह ही आईसीएसई बोर्ड ने भी अब 2022 के एग्जाम्स के लिए 10वीं बोर्ड 12वीं बोर्ड एग्जाम में कुछ सिलेबस में किया बदलाव कि आपको कुछ सिलेबस में घटा दिए गए हैं। अब आपको 50% सिलेबस से क्वेश्चन आएंगे आपके 10वीं बोर्ड और 12वीं बोर्ड में। और जेई मेन बिहार में 7 सेंटर बनेंगे, 4थे चरण के लिए 12 तक भरेंगे फॉर्म और 3रे चरण का एडमिट कार्ड जल्द होगा जारी। सीबीएसई बोर्ड की तरफ से अगला अपडेट, 15 जुलाई से होगा 12वीं के रिजल्ट का मोटरेशन। देख पा रहे हो 12वीं के परिणाम 31 जुलाई को आने थे, ऐसे में स्कूलों के विद्यार्थियों के परिणाम पोर्टल पर अपलोड कर फाइनल भेजने हैं और 15 तक बोर्ड मार्क्स अपलोड कर देगा। और पढ़ने को मिल जा रही है कि 10वीं के रिजल्ट तैयार हो चुके हैं, इसके बाद 11वीं के नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई। डीएवी बीएससी में 11वीं का नामांकन 18 तक, 12 से क्लासेस शुरू। अगली बेटा को पढ़ने गुजारे आपके पीपीओ और पटना यूनिवर्सिटी कॉलेजेस की तरफ से कि नई गाइडलाइन के मुताबिक 12 जुलाई से खुलेंगे आप सभी के कॉलेजेस, विश्वविद्यालय, और जिसमें 50% की उपस्थिति के साथ खुलेगी। थ्योरी में ऑनलाइन क्लासेस होगी और प्रैक्टिकल में ऑफलाइन। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी में दूसरी लहर के कारण 4 अप्रैल से बंद हुए कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को अनलॉक 4 की घोषणा के बाद थोड़ी राहत मिली है। नई गाइडलाइन के मुताबिक 12 जुलाई से कॉलेज और विश्वविद्यालय 50% उपस्थिति के साथ खुल रहे हैं आपके सारे बिहार के सारी यूनिवर्सिटी, लेकिन अभी भी ऑनलाइन शिक्षा को ही प्राथमिकता देनी है। इसके अलावा परीक्षाओं के आयोजन पर भी 6 अगस्त तक रोक है, 6 अगस्त तक कोई भी एग्जाम्स नहीं होगी, जबकि विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में अभी परीक्षाएं लंबी थे, इनके आयोजन के लिए बिना सत्र आगे नहीं बढ़ सकता। हालांकि विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में अगले सत्र की नामांकन प्रक्रिया भी लंबित है, जो इस अवधि में आगे बढ़ सकती है। पटना विवि के कॉलेजों ने निर्णय लिया है कि थोड़ी का अधिकतर क्लासेस को ऑनलाइन मोड में रखा जाएगा, जिससे सभी छात्र एक साथ कक्षा में पढ़ पाएंगे। गुजारे कि स्नातक फाइनल ईयर की कक्षाएँ भी लंबित है, इसके विद्यार्थियों का सिलेबस पूरा हो चुका है और उन्हें बस परीक्षा में शामिल होना है। जो सरकार के दिशा निर्देश होगा उसका पालन किया जाएगा, लेकिन फर्स्ट ईयर के छात्रों का सिलेबस अभी भी कवर होना शेष है। पढ़ने बोल जा रहा है कि यहाँ पर ऑनलाइन बोर्ड में जारी रखे लंबित क्लासेस, लेकिन जबकि प्रैक्टिकल की व्यवस्था ऑफलाइन मोड में हो। सरकार ने 50% छात्रों के आने की अनुमति 12 जुलाई से दी है, इसके बाद प्रैक्टिकल की व्यवस्था होगी। वही दूसरी ओर पटना विवि में 2021-22 में नामांकन यानी एडमिशन के मामले में छात्र कल्याण ने बताया कि चूंकि इस बार कोरोना महामारी के कारण प्रवेश परीक्षा का आयोजन नहीं कराने का निर्णय लिया गया है, इसका प्रस्ताव मंजूरी के लिए कुलाधिपति को भेजा गया है। तो जैसे कि अपडेट आएगी फिर आपका एडमिशन शुरू हो जाएगा आपकी इस पटना यूनिवर्सिटी में भी। अगली अपडेट आई आपके तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी TMBU की तरफ से, जो कि आपको पढ़ने को मिल जा रही है कि छात्रहित में पीजी 4th सेमेस्टर की परीक्षा संचालित करने की अनुमति प्रदान करने के संबंध में, कि देख पा रहे हो कि यहाँ पर 6 जुलाई से जो 12 जुलाई से भी सारी क्लासेस खुल रही है और COVID-19 का जो वैक्सीन ले चुके हैं, देख पा रहे उन्हीं को परीक्षाएँ बैठने की अनुमति दी जाएगी 20 जुलाई से। पीजी सेमेस्टर 4 2017-19 के छात्रगण, जिनके छात्र करीब 2 वर्ष विलंब हो गई हैं
सभी शिक्षा की परीक्षा की तहत सभी सारी तैयारी की जा चुकी है। इसमें करीब 2000 परीक्षार्थी के पास COVID-19 के मानकों के साथ इतने छात्रों के परीक्षा संघन की समस्त सुविधा है। परीक्षा चलाई जाए, आग्रह है कि छात्र हित में परीक्षा संचालन हेतु उक्त निर्देश दी जाए। तो देख पा रहे कुल सचिव को ये पत्र लिखा गया आपके स्टेट यूनिवर्सिटी की तरफ के आपके एग्जाम्स को लेने के लिए। अगली अपडेट आई आपकी LNMU ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी की तरफ से, जो कि पठन पुजारी की उपस्थिति विवरणी नहीं भेजने के संबंध में। तो ये कुछ नोटिफिकेशन है जिसमें देख पा रहे आपकी क्लासेस चलेगी 12 जुलाई से, तो ये उसी के नोटिफिकेशन है। अभी भी अगली अपडेट आई आपकी पूर्णिया यूनिवर्सिटी की तरफ से, पठन पुजारी की आवश्यक सूचना कि PG तृतीय यानी थर्ड सेमेस्टर 2019-21 के विभिन्न विषयों में नामांकन महाविद्यालय कार्यालय में दिनांक 12 जुलाई से 19 जुलाई तक होगा। विश्वविद्यालयों के निर्देश अनुसार तृतीय सेमेस्टर में नामांकन हेतु पीजी प्रथम सेमेस्टर पूर्ण रूप से उत्तीर्ण एवं द्वितीय सेमेस्टर उत्तीर्ण या प्रमोटेड होना आवश्यक है। पढ़ाई उसके लिए नामांकन प्रपत्र व निर्धारित स्थान पर फोटो चिपकाना एवं छात्रों छात्रा का स्वयं का हस्ताक्षर अनिवार्य है। नामांकन प्रपत्र के साथ PG1 PG2 का मार्कशीट, ठीक है, TR के प्राप्त भी चलेगा, प्रवेश पत्र या पंजीयन प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र जिनके लिए लागू हो, ये सब लेकर के आपको फोटो कापी लेकर के आना होगा। ये थी अपडेट आपकी पूर्णिया यूनिवर्सिटी की तरफ से। अगली बैठक को शिक्षा नियोजन को लेकर के वर्ग 1 से 5वीं तक के लिए की जाएगी आयोजित तीसरी 3 पंचायतों के लिए कल होगी काउंसलिंग। अगली बैठक पढ़ने को जा रही है BPSC 2 से 18 अगस्त तक होगी इंटरव्यू, जो कि सुबह 10:30 से 2:30 बजे तक होगी। 27 जुलाई तक भेज जाएंगे आपको आवेदन की हार्ड कॉपी BPSC ने सहायक प्राध्यापक के लिए। 24 सितंबर से सहायक अभियंता परीक्षा, 24-27 अगस्त तक होगी APO मेंस की परीक्षा। देख पा रहे 15 से चिकित्सा अधिकारी की काउंसलिंग और PG में एडमिशन को एक और मौका। तो मगध विश्वविद्यालय मुख्यालय सहित कॉलेजों में स्नातकोत्तर PG और स्नातक Part 1 और विभिन्न वोकेशनल कोर्सेज में दाखिले के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि बढ़ा दी गई है। इसलिए 10 जुलाई तक अंतिम तिथि थी, जिसे बढ़ाकर 25 जुलाई तक कर दी गई है। और CBC 15 से करेगा मार्क्स का रिव्यू। 12वीं का रिजल्ट 31 जुलाई को जारी कर देगा। बोर्ड ने स्कूलों को 15 जुलाई तक अंक अपलोड करने को कहा है। इसके बाद बोर्ड मार्क्स का रिव्यू करेगा। तो माय डियर फ्रेंड, ये थी आज की कुछ एजुकेशन अपडेट्स। वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करेंगे और इस वीडियो को अपने दोस्तों फिर से शेयर जरूर करिए। तो आज के इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन कीप सेइंग एंड सपोर्टिंग अस।